शहडोल जिले के सुहागपुर एसईसीएल अंतर्गत भूमिगत बंगवार कोयला खदान समेत अन्य कोयला खदानों में कलकत्ता की कंपनी का ठेका है। कंपनी ने बीडीएस ट्रेनी मजदूरों को काम पर रखा है, जिसमें मजदूरों को कंपनी रोजाना 904 रुपए देती है। यह राशि सीधा मजदूरों के खातों में जाती है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि कंपनी के कथित मुंशी और ठेकेदार कर्मचारियों से करीब 500 रुपए रख लेते हैं। वहीं अपना पैसा मांगने पर उन्हें ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है, जिससे मजदूर लामबंद होकर शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की गुहार लगाते हुए कंपनी के ठेकेदार और मुंशी के जुल्म से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। एमएस कंपनी बंगवार में कलकत्ता का एक फैक्ट्री आया है यहाँ हाल ही में कोयला निकालने के लिए, इसमें 904 रुपया पेमेंट मिलता है हम लोगों को रोज डेली का, उसमें 350 रुपये डेली के हिसाब से वापस किया जाता है और पैसा सबको रिटर्न करना पड़ता है। क्यों पैसा रिटर्न करना पड़ता है? जो पैसा नहीं देता है उसको ड्यूटी बंद किया जाता है। मतलब 950 रुपये आपको नहीं दे रहा है, 905 रुपया 904 रुपया है कंपनी का रेट, जिसमें 550 रुपया ठेकेदार लेबरों को देता है, इसके अलावा जो पैसा बाकी होता है उसको रिटर्न करता है। सर, हम लोग बंगवार खदान में 200 साल से काम कर रहे हैं। ये जेएमएस कंपनी 2-2.5 साल से जो आई है यहाँ पर, तो उसमें हम लोग जुड़ गए, तो जो हम लोगों का जो पेमेंट आए है जो 905 रुपये जो कंपनी देती है, उसमें से हमारे खाते में डाल के और हमसे वापस लिया जाता है, हमको निकाल के जबरदस्ती परेशान किया जाता है। अब हम लोग कैसे अपने बाल बच्चे को जियाएं उसमें से, किसको वापस करें? नहीं की जाती मांग, पैसों की मांग नहीं की जाती। वो सामने खड़े हैं, उनका आरोप है कि आप जो है इनको, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं ना, वैसे खराब भी किया गया, यहाँ भी वैसे कर रहे हैं, काम करना नहीं है, नेतागिरी करेंगे, करें नेतागिरी, ठीक है ना? मतलब पैसे से कोई मांग नहीं की जाती। लोग यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं ठीक नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नौकरी का बंद कर देते हैं इनका, काम नहीं करता है तो क्या करेंगे? ठेकेदार तो यही बोला काम नहीं करता है। इनकी कितनी सैलरी है इनकी, एक दिन की? एक दिन 5-4 रुपये जो भी है तो बराबर इनको मिलता है, तो इनके खाते में जाता है। हाँ, खाते में जाता है। इनका ये आरोप है कि आप लोगों के द्वारा इनसे पैसा और जो 500 कुछ रुपए वापस ले लिया जाए।